मोन्यूल हक स्टेडियम जो है हम लोग जो है जल्द से जल्द उसका निर्माण शुरू करवाएंगे। इस ग्राउंड पे तो हम खुद खेले हुए हैं और हम खेले भी हैं, देखे भी हैं, तो हम तो क्रिकेटर रह चुके हैं, तो हम तो चाहते हैं कि भाई एकदम अच्छे से बने और इंटरनेशनल लेवल का हो। मैच देखने भी आए हैं, स्टेडियम का मुआयना भी पूरी टीम जो है करने आई है, अर्बन डेवलपमेंट की और साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सभी अधिकारी हम लोग सब लोग आए हैं और जल्द हम लोग चाहते हैं कि निर्माण जो है कराया जाए। आप लोगों को पता होगा जब निर्जाम हुआ था कंकड़बाग में, जब रविंद्रनाथ जी कराए थे, तो उसी टाइम जो है जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेडल लाओ नौकरी पाओ, तभी उस समय एक और घोषणा थी कि भाई मोन्यूल हक स्टेडियम जो है हम लोग जो है जल्द से जल्द उसका निर्माण शुरू करवाएंगे। तो 3-4 महीने DPR बनने में लगा, वो बन करके तैयार है अब लगभग, क्योंकि रणजी ट्रॉफी मैच शेड्यूल्ड है और शेड्यूल्ड है तो उसके बाद ही हम लोग जो है तोड़ना, डेमोलिशन करना और नया बनाना का काम जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्या क्या होगा स्टेडियम में, सारी चीज़ें जो है लगभग अंतिम चरण पर है और जल्दी ही जो है निर्माण कार्य, जब मैचेस ख़त्म हो जाएंगे रणजी ट्रॉफी के, तो उसकी शुरुआत जो है हम लोग कराएंगे। और इस ग्राउंड पे तो हम खुद खेले हुए हैं और हम खेले भी हैं, देखे भी हैं, जब वर्ल्ड कप मैच हुआ था कीनिया वर्सेस जिम्बाब्वे 96 में, उस समय बारिश हुआ था तो हेलीकॉप्टर वगैरह सब लगाया गया था सुखाने में, तो हम तो खुद सुखदेव नारायण टूर्नामेंट हुआ करता था उस ज़माने में, तब हम खेले हुए, तो हम तो क्रिकेटर रह चुके हैं, तो हम तो चाहते हैं कि भाई एकदम अच्छे से बने और इंटरनेशनल लेवल का हो, और क्यों नहीं होना चाहिए बिहार में स्टेडियम, एकदम होना चाहिए और एकदम बनने जा रहा है, बनकर रहेगा। और इसको देखते हुए हम लोग सब लोग, यही लोगों की इच्छा है बिहार के लोगों की कि भाई अपने फेवरेट खिलाड़ी को भी यहाँ देखें, इंटरनेशनल मैचेस हो, IPL मैचेस हो, तो उसी हिसाब का स्टेडियम जो है हम लोग बना रहे हैं। और BCA के अधिकारी हों या स्पोर्ट्स अथॉरिटी हों, हम सब लोग, सरकार नीति जी के नेतृत्व में सब लोग सहमत हैं कि स्टेडियम का निर्माण कराया जाए ताकि यहाँ भी इंटरनेशनल मैचेस जल्द से जल्द। बिहार के खिलाड़ियों को आपने खेलते देखा है, क्या कहेंगे उनको लेकर के, अब वो लोग एलीट ग्रुप में खेल रहे हैं, हालांकि पहला मैच हार गए मगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सर। अभी तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करे और जीते, है ना। और काफ़ी दिनों बाद जो है, आप जान रहे हैं संघर्ष के बाद जो है, बाद पहले एसोसिएट मेंबर बनाया गया, फिर मेंबर परमानेंट BCCI का बना, अब रणजी ट्रॉफी के मैचेस वगैरह कई साल से अब बिहार टीम खेल रही है, तो एक माहौल बना है बिहार में भी खिलाड़ियों का, तो हमको लगता है कि टैलेंट तो है ही। और आप जान रहे हैं कई बिहार के खिलाड़ी जो हैं अब तो इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईशान किशन हों या आपके जो गोपालगंज के हमारे मुकेश कुमार हों, उससे पहले भी सौरभ तिवारी वगैरह भले झारखंड से खेलते रहे हों, नदीम वगैरह, लेकिन है तो बिहार के ही सब लोग, तो इन सब के सर IPL में काई हम सब लोग, तो भाई हम तो खेले, तो हम तो उस समय मान्यता नहीं थी, तो हम तो दिल्ली से खेले, दिल्ली से 15-17 खेले, और उस समय विराट कोहली हम लोग सब लोग साथ खेलते थे दिल्ली टीम। फिक्सर है उसको लेकर सर क्या कहेंगे आप, पहला बार जो मुंबई और बिहार का रणजी ट्रॉफी का मैच था, उसमें बिहार दो टीम आ गई थी सर, काफी किरकिरी हुई थी सर, बिहार काफी बेइज्जती हुई थी सर हम लोगों की। नहीं, हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया, क्या कारण है हम तो बता नहीं सकते, हम एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए हैं, ये मामला जो है एसोसिएशन का है, तो इसमें सरकार की वो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और क्या बेहतर हुआ है नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये तो एसोसिएशन के लोग ही बता सकते हैं, इसमें हम नहीं कह सकते।